नीमच मालवा अंचल में प्री मानसून के बाद किसानों ने अपने खेतों में बोनी कर दी थी, लेकिन बारिश की लंबी खेच के बाद अब फसलें सूखने लगी है, जिसको लेकर वॉइस ऑफ एमपी ने किसानों से खास चर्चा की तो उन्होंने बताया कि मौसम विज्ञान केंद्र ने जल्द अच्छी बारिश की उम्मीद जताई थी, इसी के आधार में खेतों में बुआई का कार्य शुरू किया गया था, लेकिन बारिश नहीं होने के से कई स्थानों पर तो बीज भी अंकुरित नहीं हो पाए हैं। कई खेतों में अंकुरण हुआ तो अब फसलों की सिंचाई के लिए किसान परेशान हो रहा है। क्षेत्र में किसानों द्वारा अच्छी बारिश की कामना को लेकर उज्जैनी मनाई जा रही है। किसानों ग्रामीण खेतों तक पहुंचकर भगवान इंद्रदेव को भोग लगा रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं दीपक खतावी और आप देख रहे हैं वॉइस एमपी। जी हां, प्री मानसून के बाद किसानों ने अपने खेतों में बोनी का काम शुरू कर दिया था और मालवा अंचल के नीमच शहर में अधिकतर सोयाबीन, मक्का, मूंगफली, चने का पैदावार ज़्यादा होती है, लेकिन देखा गया है बारिश की लंबी खेच के बाद अब फसलें सूखने लगी हैं, जिसको लेकर किसान लगातार चिंतित है। किसानों का कहना है अगर एकाध दिन में बारिश नहीं तो दोबारा बोनी करनी पड़ सकती है, जिसको लेकर हमारे साथ में किसान भाई है, उनसे बात करेंगे किस तरह से फसलों को लेकर चिंतित है, क्या कहना है, अब बताएं किस तरह से अभी फसलों की हाल है, किस तरह से फसलों को लेकर किसान चिंतित है। हाँ सर, फसल में तो पानी की ज़रूरत तो है, बहुत दिन हो गए पानी आए, लेकिन क्या करें अपन, अब आएगा तो काम चला है लेकिन नहीं आए तो परेशानी थी, अभी फसल सूख रही है, पानी की ज़रूरत तो है बहुत। हमारे नीमच शहर के अंदर देखा जाए तो सबसे ज़्यादा रकबा किस चीज़ की बोनी होती है और फ्री मानसून के बाद में किसानों ने किस तरह अपने खेतों को तैयार कर दिया था? तैयार तो किया सर, सोयाबीन जब बोते हैं ज़्यादा सर, सोयाबीन मक्का भी बोते हैं, सोयाबीन बोते हैं, मूंगफली बोते हैं, लेकिन पानी की खींच तो चल रही है सर अभी इधर। अभी क्या हाल है फसलों का? नुकसान तो हो रहा सर, अभी बुरा हाल है, मतलब सूख रही है फसल, पानी की सख्त ज़रूरत है पानी। अगर एक आध दिन में बारिश नहीं होती तो क्या हाल होगा फसलों का? मतलब पैदावार ही मतलब कम होगी, फिर जैसे पानी तो गिरेगा लेकिन उतनी ग्रोथ नहीं ले पाएगा पौधा, क्योंकि पानी के जो अभी इसको छीए था पानी, अभी नहीं गिर रहा, पानी गिरता तो इसकी ग्रोथ अच्छी होती तो पैदावार भी होती। अब जैसे 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 लंबी खिंचान चलेगी फिर इसकी ग्रोथ कम ले पाएगा तो पैदावार इतनी नहीं हो पाएगी, क्योंकि पानी जरूरत। किसानों का साफ कहना है कि बारिश की लंबी खिंच के कारण फसलें सूखने लगी, फसलें मुरझने लगी है और अगर एक आध दिन बारिश नहीं होती है दोबारा बोनी करनी पड़ेगी, क्योंकि किसान महंगे भाव का बिचौरा लेकर आया है और अपने खेतों को तैयार किया है, लेकिन फ्री मानसून के बाद किसानों ने खेतों तैयार कर दिए, लेकिन अब इंतजार है तो बारिश का, तो किस तरह से सुबह शाम तक बारिश का इंतजार करते हैं, खेतों पर आप किस तरह से वर्किंग काम कर रहे हैं? आप कर रहे हैं सर काम, तो निंदाई खोदाई का काम चल रहा है सर, कर रहे हैं लेकिन इंतजार कर रहे हैं पानी का, अब देख रहे हैं ऊपर गिरेगा तो ही काम चलेगा, मतलब क्या अपने हाथ में कुछ है नहीं सर। नहीं, हमारे साथ में और भी हैं, उनसे बात करेंगे, बताएं किस तरह से चिंतित है किसान पानी के लिए, क्या कहना है आप लोगों का? बहुत आवश्यकता है पानी की, और हम खेत पे आते हैं तो फसल इसी मुरझाई हुई रहती है, तो इसको देख के हमको भी बहुत दुख होता है, क्या कि हम बहुत मेहनत करते हैं और पानी नहीं आएगा तो क्या होगा, पानी आना बहुत ज़रूरी हो रहा है, एक दो रोज में आ गया तो ठीक, नहीं तो बाकी फसलें ख़त्म भी हो सकती है, इसलिए पानी आ जाए तो बहुत अच्छी बात है। किस तरह का हाल है फसलों का भी? अरे पूछो ही मत फसल के बारे में। अगर एक आध दिन बारिश नहीं होती तो दोबारा दोबारी करनी पड़ेगी? यस जी सर, करनी पड़ेगी। क्या मतलब है फिर, ऐसे घेरे घेरे बैठने लगे हैं फसलों के तो। किसानों का साफ कहना है कि अगर एकाध दिन में बारिश नहीं होती है तो फसलें मुरझाने लगी और सूखने लगी हैं, ये आप देख सकते हैं किस तरह से ये फसलें ये मुरझाने लगी हैं, सूखने लगी हैं, ज़मीन पूरी सूख चुकी है, अब इंतज़ार है तो पानी का, किसान सुबह शाम तक आसमान पर टकटक लगाए बैठा है, उसका कहना है कि अगर एकाध दिन में बारिश नहीं हुई तो फसलें सब सूख जाएंगी, और अभी किसान को अब यही चिंता खाई जा रही है अगर बारिश नहीं होती है तो आने वाले दिनों के अंदर दोबारा बोनी करनी पड़ेगी, जिसको लेकर किसान लगातार अपने खेतों में खपत और नई उदय काम कर रहा है। वाइस एमपी के लिए दीपक तबिक रिपोर्ट। नीमच से दीपक हताबिया की ये रिपोर्ट।